फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज 2 अप्रैल 2022 है और सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू समस्या के अनुसार ये आने वाला नया साल आप सबके लिए मंगलदायी हो, आनंददायक हो। और फ्रेंड्स, आइए अब अपडेट को देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम कई बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें एक जो बड़ा नोटिस है वो जारी किया गया है ई डोजियर के रिटर्न के रिगार्डिंग। और बाकी फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं नई रिक्रूटमेंट की भी क्या अपडेट है और बाकी जो भी नए नोटिस जारी किए गए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, उन सबको एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट है edudel.nic.in। तो इसको अगर आप विजिट करेंगे, यहाँ पब्लिक सर्कुलर ये जो ऑप्शन होती है इसको आप क्लिक करके इसमें जो भी नोटिसेज होते हैं ये देख रहे हैं आप। यहाँ पर न्यू की ऑप्शन में जो नए नोटिस होते हैं वो आपको नजर आएंगे। तो अगर आप खुद में भी विजिट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप नए नोटिसेज को देख सकते हैं, डेली अपडेट को चेक कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे चैनल पर हर एक अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है और इनके जो नोटिसेज होते हैं DTSSB के या KVS NVS के, इनकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होती है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके इन नोटिसेज को हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये कल की लेटेस्ट अपडेट है, शाम को ही इसे अपडेट किया गया है DOE डिपार्टमेंट के द्वारा। नए ऑर्डर ये जारी किए गए हैं, कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रॉइंग टीचर 91/17। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है, ये ड्रॉइंग टीचर की पोस्ट के रिगार्डिंग है। और जो दूसरा नोटिस है, जो बड़ा नोटिस है, और ये भी DOE डिपार्टमेंट के द्वारा नई अपडेट जारी की गई है। फ्रेंड्स आप देखिएगा, यहाँ पर ये बड़ा ऑर्डर जारी किया गया है, कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, पोस्ट कोड है 89/17। तो 89/17 पोस्ट कोड है जो ये, इसके कैंसिलेशन के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। जो कैंडिडेट है उनका कैंडिडेचर यहाँ कैंसिल कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, उन कैंडिडेट के लिए खुशी की खबर है जिनका वेटिंग पैनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ से जो वैकेंसीज खाली होने वाली हैं, और यहाँ से फ्रेंड्स 57 कैंडिडेट हैं जिनका की कैंडिडेचर ये कैंसिल किया गया है। तो ये 57 जो वैकेंट पोस्ट हैं, तो यहाँ पर ये 57 कैंडिडेट वेटिंग पैनल लिस्ट में होंगे, उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, उनके यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। और बाकी फ्रेंड्स, अगर यहाँ वेटिंग पैनल लिस्ट आपका वैलिड नहीं है तो ये जो 57 पोस्ट है, ये जो DTSSB की न्यू रिक्रूटमेंट आएगी उसमें ये एड कर दिए जाएंगे, तो आपकी ये वैकेंसी प्लस होकर निकलेंगे। तो ये वैकेंट पोस्ट DTSSB के द्वारा फिल की जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक बड़ी अपडेट है। देखिए यहाँ पर काफी कैंडिडेट हैं, 57 जो ईडोजीर हैं वो रिटर्न कर दिए गए हैं DTSSB को, इन सब का कैंडिडेचर रिजेक्ट हो चुका है। और जो वजह है वो हर एक कैंडिडेट की अलग अलग बता दी गई है, किस वजह से कैंडिडेचर रिजेक्ट किया गया है, विद नेम, इनकी पर्सनल इंडिविजुअल सारी डिटेल दी गई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सारी डिटेल यहाँ एक एक इंडिविजुअली कैंडिडेट को बता दी गई है, किस वजह से उनका कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है। देखिए जैसे कि यहाँ पर है, ये कैंडिडेट है जो इनको अपॉइंटमेंट के ऑर्डर जारी किए गए थे और गिवन टाइम पीरियड इनको दिया गया था कि इस टाइम के दौरान आपको रिपोर्ट करनी है, बट हुआ क्या, जो इनको टाइम दिया गया था उसमें इन्होंने कोई भी रिपोर्ट नहीं की, ना कोई अपने डॉक्यूमेंट ये लेकर गए हैं, और इन्होंने अपनी तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं स्वीकार की है और ना ही कोई रिप्लाई दिया है। तो इनको जो टाइम पीरियड दिया गया था उसकी वजह से इनका यहाँ कैंसिलेशन हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप देख लीजिएगा, ये 57 कैंडिडेट है जिनका की यहाँ पर कैंसिलेशन किया गया है, ईडोजियर रिटर्न कर दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप देख लीजिएगा, इसको आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे वो हम आपको दिखाई चुके हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वायरमेंट पर ही हम जो PDF होती है, जैसे कि बड़ी PDF है कोई या कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आपकी रिक्वायरमेंट पर ही हम टेलीग्राम चैनल पर उसे शेयर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप देख लीजिएगा और आइए नेक्स्ट नोटिस को हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर देखिएगा, ये है एक्सटेंशन के रिगार्डिंग। यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है इनकी डिटेल दे दी गई है, इनकी पोस्ट कोड वगैरह डेट सारी चीज बता दी गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इनका एक्सटेंशन पीरियड जो है वो 30 डेज कर दिया गया है, अब 29 अप्रैल तक आपकी एक्सटेंशन डेट कर दी गई है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो। आइए नेक्स्ट
नेक्स्ट नोटिस को अब हम देख लेते हैं। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट नोटिस है, देखिए यहाँ पर ये ऑर्डर जारी किया गया है समग्र शिक्षा दिल्ली और एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ही ये सूचना दी गई है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज प्लीज टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स, जो TGTs है और प्राइमरी टीचर्स हैं PRTs हैं जो कि एंगेज थे, वर्किंग थे समग्र शिक्षा के अंडर में दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट बेस किए जो जॉब कर रहे थे जो टीचर्स TGT और PRT जो कि DOE या फिर MCD स्कूल्स में इनकी एंगेजमेंट थी। तो फ्रेंड्स इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट की डेट है वो अब बढ़ा दी गई है। तो फ्रेंड्स इनके पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है, इनके समय को बढ़ा दिया गया है 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 10/5/2022 10 मई 2022 तक का समय आपको और दे दिया गया है, यानी कि समर ब्रेक की बिगनिंग तक आप लोग यहाँ पर जॉब कर सकते हैं, आपको सारी सैलरी टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो जो भी ये टीचर्स हैं जो DOE MCD के स्कूल्स में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एंगेज्ड टीचर्स हैं TGT और PRT, उनके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, आपको और समय दे दिया गया है यहाँ पर। आइए नेक्स्ट नोटिस को अब हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक और नोटिस है यहाँ पर जो कि रिलीज किया गया है DOE डिपार्टमेंट के द्वारा। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का नेम असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और ये 90 डेज के लिए यहाँ पर इनका बता दिया गया है। तो फ्रेंड्स इनकी जो ज्वाइनिंग डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, इनको जो समय दिया गया है 90 डेज का समय दिया गया है 19 जून 2022 तक आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी होगी, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर यहाँ कैंसिल किया जा सकता है बिना किसी फर्दर कम्युनिकेशन के। मतलब नेक्स्ट आपको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग समय रहते ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें यहाँ दे दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कई इंपोर्टेंट नोटिसेस थे जो कि DOE डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए थे। तो फ्रेंड्स ये सारे नोटिसेस सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि जो भी संबंधित कैंडिडेट होते हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, यही हमारी एक कोशिश होती है। और फ्रेंड्स अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एजुकेशन के रिगार्डिंग हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए DEET+B DOE KVS NVS या SSA जो कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की लेटेस्ट अपडेट होती है या ऑल ओवर इंडिया से टीचिंग रिक्रूटमेंट की जो भी कोई अपडेट होती है तो सबसे पहले उसे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर प्रकार की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।